बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्दत बंदों कर अनुराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्दत बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद वाहेगुरु जी की फतेह है बिघ्न बिना सन सोए जय दिठे मन धीरिय किल विख वैयन दूरे सो क्यों विसरै माओ पर पूरे क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे पर पूरे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहर चौपाई सन्मुख शब्द रबावी गावें सुने प्रेम ते सुख उपजावै परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी सात संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਰਾਮਤਮਈ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਏ ਖਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਛੱਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਕਥੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ
पेस्तर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा शीश गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिया है। अते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिया चरण चुमदिया होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिया इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया कि महिमा दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज वैसाखी दे समागमां विच सिख जगत का महान तीरथ श्री करतारपुर साहिब जलंधर टिके हुए हैं। दूर देश चारे दिशावां पूरब पछम उत्तर दक्षिण तो गुरु संगतां दा वड्डा इकट्ठ श्री करतारपुर साहिब होया होया। महाराज सचे पातशाह जी ने सेवकां नूं निकटवर्तियां नूं आदेश किया आख्या बाहर वड्डे शामियाने लगा देवो ते सारी संगत नूं संदेश पहुँचाओ कि आके दर्शन कर लैण। महाराज जी ने इस तरह आग्या कर दिती। जो जो संगतां आईयां हन आ के पहुंचण आ के मिलण ते अपने हालात साडे नाल सांझे करन महाराज जी ने यह आग्या कीती। और गुरसिखां सेवकां ने बहुत सोहणे महान पलंग महाराज जी दे गद्दा लगाया गया उपधान वड्डा सराहना रख्या गया। सौ दिसमें झालर लग जरी हीरे मुक्तन सौ बहुत जरी शमयाने दे चारे पासे हीरे ज्वारात जड़ियां झालरां लमकदियां पईयां हन लटक रहियां ने। किसे शहनशाह दा भी दीवान पंडाल इतना वधिया कदी नहीं लग्या होवेगा जिहो जिहा पंडाल गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा लग्या होया। बेशकीमती बस्तर शस्त्र महाराज सजा के पहुँच करी गादी को बंधन ऊपर बैठे दोष निकंदन। सब तो पहला पारब्रह्म परमेश्वर का सिंघासन जान के महाराज ने नमस्कार कीती ते फिर सचे पातशाह उस सिंघासन ते विराजमान हो गए जिन्हां दी दृष्टि नाल ही सारे दुखां दी निवृत्ति हो जाती है। चमरदार ले चवर खलोआ चौर करन वाला चौर बरदार चौर लैके खड़ा होके महाराज जी ते चौर चुला रहा हंस मनिंद टुरावत होवा। बड़े प्रेम नाल आहिस्ता आहिस्ता चौर महाराज जी दे शीश तो पिछे खड़े होके सेवक चुला रहे ने और हौली हौली एक पासे तो दूजे पासे चौर चुल रहा है। इंज लगता है जिवें कोई हंस आके महाराज दे इस पासे बैठता है ते फिर इस पासे आके बैठ जाता है। भाव बड़ी अद्भुत छवि बनी हुई है। महाराज जी दे चरणा तो महाराज जी दे वस्त्रां तो महाराज जी दे शस्त्रां तो महाराज जी दी कलगी तो महाराज जी दे चौर तो संगतां सदके ही जांदियां हन। बड़े वड्डे समागम बने हुए ने चमरदार ले चवर खलोआ हंस मनिंद टुरावत होवा। सबा विषाद लगी चौ फेरे लाजत जाहे सुधर्मा हेरे।
भाई साहब कहते हैं इस तरह महाराज जी दे चारों पासे सभा लगी हुई है, दीवान लग्या होया, संगतां गुरसिख ते महान संत सिपाही महाराज जी दे सैनिक खड़े ने। इन्नी सोहनी सभा है, इन्ना सोहना दीवान है, जे स्वर्ग दा राजा इंद्र देख लवे ते वह शर्मसार हो जाए, बई इहो जिहा दीवान ते मेरा भी नहीं हैगा। महाराज सच्चे पातशाह जी का ऐ साल सराय जौहरी जी दे नाम ते संत बाबा महेंद्र सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, इंग्लैंड वाले गुरु नानक निष्काम सेवक जथा दीवान हाल बना रहे ने। इन्ना वधिया ये दीवान हाल तखत पटना साहिब का होगा, इहो जिहा दीवान हाल दुनिया च किधरे नहीं होएगा। सतगुरु आप कला वरता देंदे ने, विच साहिब आप खलो जांदे ने। बद्धो पुरख बिधाते तां तू सोहया वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, हर हां नानक कसमल जाए नाया रामदास सर। परब्रह्म परमेश्वर आप विच वरत जाता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप विच वरत जाते हैं, ते फिर सारा कुछ सोहना हो जाता है, सब कुछ खूबसूरत हो जाता है, सुहावना हो जाता है और सलाहण दे योग हो जाता है। इस तरह महाराज जी का सामियाना लग्या होया है। अगली कथा सरवण करिए पेशतर, सारे आखो धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी, जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी, धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, चौपाई पयो मेवरो खरो अगारी। महाराज जी दा अरदासिया सिख अरदास करन वाले नू मेवड़ा कहंदे, ओ मेवड़ा सिख महाराज जी दे सामने हाथ जोड़ के सीस चुका के गल पल्ला पा के खड़ा है। सिखन की अरदास उचारी, जो जो सिख पिटावा लै के आए ने ओ सारिया महाराज नू सुना रहे। महाराज जी दे सेवक नाल नाल रजिस्टर ते लिखी भी जाते सन, बई फलाने वालों ऐ भेटा आई, फलाने वालों ऐ भेटा आई, ते खजाने च जमा दी रसीद भी दे देंदे सन। ये रसीद देनी भी कोई नवा काम नहीं है, बई कोई नवा काम शुरू हो गया, गुरु काल तो ही इस तरह चलता रहा। भेटावां सुनाइया जांदियां महाराज नूं, सामने रखिया जांदियां, ते फिर खाते विच लिखिया जांदियां, ते फिर रसीद उन्हां नूं दित्ती जांदी। महाराज जी दे हुक्मनामे भी ने भी तुसां 101 रुपया भेजिया, खजाने जमा होया, महाराज ने हुक्मनामे भी कीते होए। ऐ होर चीज़ां भेजणियां, भाई रूप चंद जी दे घर जाओगे ना, उत्थे भाई रूपा नगर देखो, महाराज ने रसीद नाल दित्ती हुई है, भैया चीज़ां तुहाडियां आईयां ते खजाने विच जमा होईयां। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे भी मीर मुंशी भाई नंद लाल जी सन, जो मेवड़े सुणाउंदे, सामने वस्तुआं आउंदियां उह लिखियां जांदियां, फिर महाराज जी दियां आसीसां प्राप्त होंदियां। अरदास करदे सिखण की अरदास उचारी, महाराज सच्चे पातशाह फलाणा सिख फलाने मुल्क तो आया है, ऐ भेटा लै के आया है, ते महाराज आ बेनती करदा है तुसी प्रवान कर लो, ते महाराज इस तरह हाथ उठा के कहंदे प्रवान हो गई है, कारज रास हो गए। इस तरह सतगुरु पातशाह कारज रास करदे सन। चारों पुत्र सुहावत पास, चारे साहिबजादे महाराज जिया दे कोल बड़े शोभा पा रहे हन। जग पुत्रे दुत रही प्रकाश, और इस तरह दे नाल दो पोतरे भी महाराज जी दे सपोतरे, उन्हां दी भी बहुत
महान वड्याई है। पाठ नकीब कहे जस ना ठांडे, पाठ नकीब एलची जड़े ने वो भी महाराज जी दी वड्याई करन वाले खड़े होके सतगुरु जी दा जस कर दे हाना। कंचन छरीदार छब पावे, उना दे हत्थां विच सोने दियां छड़ियां फड़ियां आईयां चोबां। आ तुसी बाहर देखदे हो ना, बाहरों आए हो ते दरवाजे विच ओ सामने भाई हरभजन सिंह जी दिख रहे ने चोब लैके खड़े होए। ए मर्यादा अज दी नहीं, सच तेरा पेशकार आए शुरू तो चलती आई है। श्री दरबार साहब अमृतसर देख लेना, जदों सवेरे कोठा साहब तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्री हरिमंदर साहब वल नू चलते ने ते अगे अगे चौबदार नाल चलते ने। दरबार साहब की दर्शनी ड्योढ़ी जिस तो महान पुल ते आप पधारदे हो, सरोवर ते जिहड़ा बनया होया हरिमंदर साहब तक जाता है, उत्ते देखो थानू चौबदार खड़े मिलणगे। ये महाराज जी दे घर दी आद काल दी मर्यादा है। पाठ नकीब कहे जस ठंडे, ते कंचन सरीदार सब बढ़े, ते कंचन सोने दियां छड़ियां सोने दियां चौबां लैके सिख खड़े ने, ते बहुत वड्याई हो रही है। कुंपयो संगत सब आवे, महाराज जी दा फिर हुक्म होया भी सारी संगत नूं बुलाया जावे। मनो कामना चाहत पावे, जो जिस दियां मनो कामनावां ने आके साडे कोलों लै जावे। महाराज जी दा हुक्म सी भी सारे आउण करतारपुर नूं भाग लगे। अज भी बड़ी सेवा करतारपुर साहिब संगतां करदियां ने। ऐ तुसी देखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी कलगी 1,30,00,000 दी आई, ते करतारपुर ने डॉक्टर समरा गुरु तेग बहादुर हस्पताल है उन्हां दा, वह आके महाराज जी दे घर भेटा करके, ते करतारपुर दी संगत दे किन्ने वड्डे भाग ने। मैं अर्ज करा करोड़ा या अरबा खरबा जे सिख भेटा करता है तो उस दे अंदर गुरु की श्रद्धा है, ता ही भेटा करता है। नहीं तो बड़े गोलक चो कढ़न वाले भी है ने, भाई दाल लग जाए तो कढ़ के लै जाइए, किसी तरह कोई तरीका बन जाए तो कढ़ के लै जाइए, इस तरह के भी बड़े। पर साध संगत रेंदे फिर ओने जोगे ही ने, अगे नहीं कदम चलता। फिर कोई वड्याई कोई उन्नति कोई तरक्की कोई उन्हां दा विकास नहीं होंदा, विनाश ही होंदा। महाराज सच्चे पातशाह दे दर ते चौबदार खड़े ने। महाराज जी दी आग्या होई कि संगत नू आखो आ के जो जो मनोकामना लै के आए ने साडे कोलों प्राप्त कर लैण। सनमुख सब दरबा वी गावें, महाराज सच्चे पातशाह जी दे सामने रबाबी रबाब नाल कीर्तन करन वाले। रबाबी कोई जाति नहीं है साध संगत, जिवें रागी कीर्तनिया कथावाचक ग्रंथी ये कोई बिरादरी नहीं है। जिहड़ा महाराज की सेवा च जिस सेवा च गुरु लाउंदा है उहदा नाम पै जांदा। होर पत्से भी है, जिवें रेलवे विच टीटी कोई बिरादरी नहीं होंदी भी फलानी जात होंदी है, वो टिकट एग्जाम करते ने देखते ने, ते टिकट एग्जामिनर होण करके उन्होंने टीटी कह देंदे ने। इस तरह पुलिस है आर्मी है ये कोई बिरादरी नहीं है, एक महकमा होण करके एक विंग देश की एक शक्तिशाली पुजा होण करके उन्हां दा ये नाम पै जाता है। इस तरह रबाबी रागी ग्रंथी प्रचारक कथावाचक ये कोई खास बिरादरी नहीं, भावें किसी बिरादरी का होवे महाराज जी की रबाब लैके जब कीर्तन करता है फिर रबाबी हो जाता। कई ने तो मोहर लवाई हुई भी असी रबाबी या होर कोई नहीं, पर सच जानना जिहड़ा रबाब नाल कीर्तन करे रबाबी, राग विच गुरु दी बाणी दा कीर्तन करे रागी, महाराज जी दा कीर्तनिया इस ढंग नाल रबाब नाल कीर्तन करन वाले
महाराज जी दे सामने बैठ के कीर्तन कर रहे हन। सुने प्रेम ते सुख उपजावे, जेडे प्रेम नाल कीर्तन सुन रहे हन उन्हां दा हिरदा परम सुख नाल ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਗਨ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਰੁਚਰ ਅਕੋਰਨ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਰੁਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ ਤਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਥਿਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੈ ਮਨ ਰਹੇ ਲੁਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਲੁਭਾਵਨਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨੂ ਅਰਬਿੰਦ ਮਲਿੰਦ ਪਰਮਾਈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਕ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਰਾਸ, ਬੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਨ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅੰਬਾਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਅੰਬਰ ਸੁੰਦੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਨ ਬਸਨ ਬਿਪੂਖਨ ਚਾਰੂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੀ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਭ ਦਰਸਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਦਖਸਾ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ, ਇਹ ਬਦਖਸਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਤਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
अफगानिस्तान का इलाका वह पछमी इलाका जिसनों तातार आदि कहते हैं उतों का रहने वाला है। देश विदेशन में बिबहारू ते दूर दराज देशां विदेशां विच बड़ा व्यापार है। अज साध संगत अफगानिस्तान विच वसण वाले बड़े नितनेमी ते प्रेमी सिख ने। काबुल विच तुसी सुनिया होवेगा, मैं तो नहीं गया, पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन बहुत वारी गए काबुल तो बहुत सारे आए हुए सिख इत्थे दिल्ली दे ग्रेटर कैलाश ते होर इलाकियां विच रहिंदे। तुसी कदी मिलोगे तो उन्हां दा व्यवहार देख के थानू इंज लगेगा जिवें मैं गुरु महाराज दे समें विच आ गया। इस तरह चुके निर्माणता नाल मिठास दे लहजे नाल ओ गलबात करदे। थोड़े जे उत्थे रह गए ने ते बड़ा उन्हां वास्ते औखा समा है। तुसी सारे उन्हां लई अरदास करना कि महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे जान माल दी राखी करन। बहुत सारे हिंदू परिवार भी ने, सिख परिवार भी ने, जिन्हां दा उत्थे जान माल दा खतरा बनिया होया, सारे अरदास करो ते महाराज दे चरणां च उन्हां दी चढ़दी कला लई इक जयकारा भी सारे मिल के बुलाओ। महाराज सच्चे पातशाह उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण। काबुल दीआं संगतां दा वड्डा महाराज जी दे घर ते भरोसा है, पेशावर दीआं संगतां दा वड्डा भरोसा है। नितनेमी जीवन वाले गुरसिख देखे जा सकदे ने। इंग्लैंड भी एक काबली सिखां दे दर्शन हुंदे ने ते अज भी वड्डे वड्डे कारोबार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिया होया सरबत संगत काबल के गुरु रखेगा। गुरु गोबिंद सिंह ने लिखती हुक्मनामा सच्चे पातशाह जी ने बख्शिया होया है। तुसी अरदास करदे रहा करो कि महाराज उन्हां नूं सदा ही चढ़दी कला विच रखण ते उन्हां दे जान माल दी हिफाजत होवे। ये सिख भी अफगानिस्तान तो वड्डा सौदागर है जिहड़ा बदखशां इलाके विच जो तातार आदक कोल पैंदा है उतों आया है। हाँ जी, जिसको होवत दरबूदारू जिहदे कोल बहुत वड्डी गिणती विच धन है ते हिरदा भी बड़ा उदारता नाल भरिया होया है। जिसने धन दसवंध निकारा उसने अपने कमाई दा दसवां हिस्सा कढ़िया होया है दसवंध। हर मनोत को संचियो सारा बार बार कोई कम अड़दा है ते फिर अरदास करदा है महाराज सच्चे पातशाह मैं थोड़े चरणा च हाजिर होवांगा, मेरा आ कम रास कर दियो, एने दी देख करावांगा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਜਾਇਬ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿੱਧਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ अगर कोई वस्तु देखता है तां करी खरीदन मोल विशेखन रोदा मोल नहीं पुछदा भी किन्ने दी है। जिन्ना अगला मुंह मंगे ओना धन देखे ते खरीद लैंदा है सतगुरु जी वास्ते। दे धन लाख तुरंग मिलीनो लख रुपया दा इन्हें महाराज वास्ते घोड़ा भी खरीदया होया। हुण तुसी देखो भाई अज तो कोई 400 साल पहला लख रुपया जिहड़ा हुंदा होएगा अज उहदी किन्नी वैल्यू होए करोड़ां तो वध जाएगा। इहदा मतलब महाराज जी वास्ते अज दे मुल दे हिसाब नाल करोड़ां रुपयां दे घोड़े खरीद के लियांदे ते इन्ने कई करोड़ दे घोड़े उह इक घोड़े दे मुल च 100 फरारियां ते 100 रॉयल रॉयज आ जांदियां होणगियां। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਘੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜਾ ਇਸਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਪੁਸਾਕ ਬਨਵਾਏ ਵਿਸਾਲਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
चोला महाराज जी वास्ते बेश कीमती त्यार करवाया। सुखम अधिक अजाब उजाला। और इस ढंग दे नाल भाई साहब लिखते ने सुखम अधिक अजाब उजाला। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा बारीक है, जिन्हों कहते ने अंगूठी चो लंघ जाता। उस तरह के कपड़े का महाराज वास्ते बारीक सूतर का तागे का बनया हुआ पश्मीना आदक होगा। बेइंतहाई कीमती चोला भी महाराज वास्ते बनाया, तो होर भी कई चोले बनवाए हैं। इस पर मोल खर्च बड़कीनो। उसकी कढ़ाई वास्ते बटना की जगह हीरे लगाए होंगे। इस तरह वड्डा मुल वड्डा धन महाराज जी दे चोलियां ते खर्चिया है। चीरा चार दरब दैलीनो। ते दस्तार बहुत सोहनी, इंतहाई खूबसूरत। जो जी दस्तार कदी जहांगीर ते शाहजहान नूं भी नसीब ना होई होवे, ओ जी दस्तार महाराज वास्ते वड्डे मुल दी। बाज सफेद हंस की न्याय। बिल्कुल सफेद रंग दा महंगा बाज, जिहड़ा देखण नूं हंस वर्गा लगदा, ओ भी इसने लियांदा है। सुदेश ते लीन मंगाई। लगदा है किसे होर देश तो इन्हे मंगाया है वड्डा मुल खर्च के। मुख मांगी कीमत तिस दीना। जिहड़ा इस बाज दा मालक सी उहनूं मूंह मंगिया धन दित्ता। इस गुरसिख ने जो काबल दे अफगानिस्तान तो आया है। सतगुर खुशी है तसौली। महाराज सच्चे पातशाह ने बाज ले लिया, अपने हाथ ते बिठा लिया। होर जो पदार्थ लियाया है वो भी महाराज ने ले हन। खंडा एक बिलंद दुधारा। इसने वड्डा एक खंडा बहुत भारा दो तारा महाराज जी दियां खुशियां वास्ते लियांदा है। फुलादी लोह करारा। बहुत मजबूत फुलादी लोहे नाल बनाया होया। अलगी एक जरा बंजरी। धन बहुत खर्च के हीरे जवाहरात खचत करके जड़ के बेश कीमती कलगी भी लियाया है। साहर अजब जवाहर खरी। जिसके नाल बेश कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए, बहुत सुहावनी सोहनी है। पर अधिक सुंदर ले आए वो। ताल भी लियांदी है बड़ी सुंदर, जिहदी चमक नाली जे दुश्मन सामने आवे ते लिशक नाली मर जाए। एनी हीरियां जड़ी ढाल महाराज दी लियाया है। श्री सतगुर लायक लख पाए। और इस तरह मन में सोचता है भी ये गुरु पातशाह जी दे लायक है। सब ए सब वस्तु बहुत उजागर। बहुत कीमती ते चमकदार हीरे जवाहरात जड़िया हुई वस्तुआं। ले पहुंचियो गुर टिग सौदागर। सौदागर बड़े प्रेम नाल जो अफगानिस्तान तो आया महाराज जी दे कोल आ पहुंचया है। महाराज दा सिख है। तर हजूर पग बंदन करी। सामने रख के ते महाराज दे चरणा नाल लिपट गया, चरण कमलों ते शीश रखिया, अखां विचों हंजू जान लग पे ते भरे हुए गले नाल बेनतियां करन लग पिया। दर्शन करत निमेख ना परी। और इस तरह खरी दृष्ट कर पिखियो कृपाला, रहो जोर कर प्रेम विशाला। बड़े प्रेम नाल महाराज जी का दर्शन किया, हजूर साजो समान रख के वंदना की। दर्शन करद्या एक टक मानो अखनी चमकदा पिया, हाथ जोड़ कर बड़े प्रेम नाल हक्खां चो हंजू गिरदिया या मत्था टेकिया ते खुशी दृष्ट कर पिख्यो कृपाला। ते कृपा दे महान सागर घर गुरु हरगोबिंद साहब ने मेहर दी नज़र करके
इस दा प्रेम देख के इस वल देखिया वस्तुआ देख के नहीं। हां जी बुझियो कौन देश तू आवा। महाराज कहन लगे भाई सिखा केड़े देश तो आया है, कौन कामना पूरन पावा, तेरिया कुछ भावनावां गुरु नानक दे घरों केड़ियां केड़ियां पूरियां होईयां हड़ा। बोलियो बिना सनी बरबानी, हाथ जुड़े होए गला भरिया होया नेत्र सेजल ते हाथ जोड़ के बहुत निर्माणता परे बोला नाल आख्या, तुम जानो सब नाहन छानी, सच्चे पातशाह थोड़े कोलो कुछ छुपया होया थोड़ी, मैं कौन हाँ मैं केड़े देश तो आया हाँ, तुसी मेरिया किनिया क झोलिया भरिया ने, महाराज सब थोड़ा ही दिता होया है, थोड़े कोलों कुछ छुपया होया नहीं है। तू बूझ वे हित कर कहूं, महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे नहीं फिर भी दस ए की ले आया है कितों आया है सारा सानू दस, ते फिर आग्या मन के दसन लगा है। मुल्क बद खसा की तहरा हूं, महाराज सच्चे पातशाह मैं अफगानिस्तान दा रहन वाला हाँ, विदेशन मैं बिबहारा, देशा परदेशा विच तुहाडी मेर सदका कारोबार है, खेप सब वस्तु हजारा, ते हजारा ही वस्तुआं एक देश तो दूजे थां वास्ते खेप लद के व्यापार करन जांदा हां, भरत लाभ मुझे आवत रहे ओ, महाराज सच्चे पातशाह आप दी मेहर नाल ऐसी बरकत पई सौ दा समान चार चार सौ च विक जांदा है, महाराज ऐसी बरकत थोड़े कारोबारां दी मेहर बरसी है मेरे ते, मैं ते मामूली जिहा व्यापारी हां, जिस देश जाना जो समान लै जाना उत्ते पहले ही बड़ा महंगा होंदा, ते महाराज झोलियां भर जांदियां हन, ते दसवंत जितक मन लियाहियो, महाराज सच्चे पातशाह व्यापार चो जो आप जी दा दसवंत बनिया है जो प्राप्त होया है, सो मैं संचत रहियो घनेरे, सारा महाराज मैं लिख के ते जमा कर लैंदा रे, इस तरह दसवंध कढ़ने वाला कोई विरला ही होंदा, कढ़ देता है सारे अनाज दे देता, कोई होर समान दे देता, कोई माया गोलक च पाए थोड़ा बहुता निकलता है, पर हिसाब लिख के कढ़ना, कोई भागा वाला गुरसिख ही होगा कि इन्नी आमदन हुई इन्ना खर्च होया ते जो नैट प्रॉफिट होया उहदे चों दसवां हिस्सा यह हैगा है, ते लिख के कढ़दा हो, कोई विरला भागा वाला ही गुरसिख होवेगा। अर जब काज अटक कछ मेरे, महाराज सच्चे पातशाह एक तो आप दे बख्शे हुए कारोबार दियां बरकतां दा दसवंध, ते फिर अरदास करदा हां जदों कोई काम अड़ जांदा है, सा संगत सिख दा काम अड़ जाए ते यतन करे सफल होवे अपना बल लावे, पर नाल गुरु साहिब जी दे घर कड़ा प्रसाद दी देख करके अरदास जरूर करे, गुरु सहाई हो जाता है। नाले कुछ यथा शगद भेटा भी मान लवे कि महाराज सच्चे पातशाह मैं पटना साहिब आवांगा ते आके अखंड पाठ करावांगा, महाराज ऐ भेटा करांगा, तुसी देखो भई गुरु साहिब काम करते ने कि नहीं करते, महाराज सारे काम सिखते आप विच हो के अपनी कला वरता के करते हैं। मानत रहो मनोत महानी, महाराज सच्चे पातशाह एक तो आप जी दे बख्शे हुए कारोबार बरकतां दा दसवंध ते समय समय अरदास भेटा सहायता रावर ठानी, जिते जिते मैं थोड़े चरणा च अरदास करदा तुसी उत्थे ही पहुंच जाते हो, ते महाराज मेरी सहायता करदे हो, ते मैं थोड़े चरणा वास्ते जो बनदा है वो रख देंदा हाँ, मैं ते सो रहो मिलावत, महाराज सच्चे पातशाह ओ मन जो मन लैंदा रहा वह भी दसवंध दे विच ऐड कर लैंदा रहे। कल इत्थे शामी कथा करदिआं एक बीबी जी ने कोई माया दे दित्ती सी, असी गणी
श्रीमान ज्ञानी रोशन सिंह जी बैठे ग्रंथी साहब, इन्हां नूं मैं कहा गिण दिओ, कहिंदे 12,500 होई। ओ माता जी कहण लगे रोज थोड़ा थोड़ा रखदे रहे हां, ते हुण महाराज दे घर आया ते नाल लैके आए। हुण साध संगत वैसे कहना तां नहीं चाहीदा, तुसीं अपने घर बैठे कथा सुणदे हो ते कथा थोड़े तक पहुँचण दी माया तो लगती है। किन्ने चैनल ने, माया तो लगती है, तो थोड़ी थोड़ी माया कथा पेट रोज़ रख लिया करो, तो जदों आओ फिर जिन्नी होवे महाराज दे भेटा कर जाया करो। इस तरह महाराज जी दीआं खुशियां वध जांदीआं, तो सुनिया करो जरूर रोजाना। महाराज सच्चे पातशाह जिथे भी मैं थानू बुलाया याद किया, आपने आके विच खलो के कारज रास कर दिते। हां जी, संचियो दरब पयो मन भावत। महाराज सच्चे पातशाह जो धन इकट्ठा होया दसवंद दा अरदास भेटा दा, ओ मैं इकट्ठा करदा रहा और मैं यही मनोरथ तारे, मेरे हिरदे विच यही भावना बनी रही। जब चल गुर को दर्श निहारे, जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कला वरतौणगे दर्शन होवेगा, जदों महाराज जी दा दर्शन करन जावांगा, है आप हजूर सिधाए, ते आप जी दे हजूर जा मैं पहुंचांगा। चिरंकाल इम गयो बताए, महाराज सच्चे पातशाह इस तरह मैं दसवंद कढदा रहा, मैनू लगदा है भी कढ के दसवंद ते किसे ताले वाले बक्से विच पा देंदा रहा। तुसी भी अपने घर रख लो एक छोटा जिहा, एक छोटा जिहा बॉक्स रख लवो, तो उपरों थोड़ा जिहा कट ला लो विच माया पाउण लई, जिवें गोलकां च हुंदा है ना, ते ताला ला के चाबी भौंक मारो भई किते बंदा मुड़ के खोल ही ना लवे, चाबी आपे गवा छड्डो, ते जदों पटना साहिब आउणा होवे ताला तोड़ लो, ते जो होवे महाराज दे घर लै आओ। महाराज मैं इस तरह करदा रहा, ते मैनूं लगदा है अफगानिस्तान दे सिख ने छोटा जिहा बॉक्स नहीं लाया होना, इन्हें कोई वड्डा पड़ोला लाया होना, जिहदे विच पाई गया रखी गया ते धन बहुत दसवंद दा हो गया। हाँ जी, आज एक दै है आप हदूर सिधाए, महाराज सच्चे पातशाह इस तरह बड़ा लंबा समा लंघ गया। एक फकीर तुम मेरे टिग रहे हो, ते फिर एक तुहाडा सेवक फकीर संत गुरसिख तुहाडे कोल रहा सी, रावर को सुभाव सब लहे, ओ आप जी दे सुभाव बारे सब जानदा है। जुद तरन करन संग्राम, उहदे तो मैनूं पता लग्गिया वी आप शस्त्र धारण करदे हो ते युद्ध भी करदे हो, ए मैनूं पता चलिया। तुरंगन पर अभिराम, ते सोहणे घोड़ियां ते आप सवारी करदे हो, खेलन बहु अखेर मन पावे, ते आप अखेड़ बिरत करना भी बहुत प्रवान करदे हो, चंगा लगदा तुहानूं। महाराज समसौज बनावे, ते सहन साहां वांगू तुहाडा साजो समान है, उस तो मैनूं पता चलिया। आजुद जो सिख लिया, जेड़ा कोई सिख घोड़े आदक शस्त्र आदक लियांदा है, अरे अर्पण सतगुरु रिझावे, महाराज सच्चे पातशाह मैनूं पता लग्गिया वी तुहानूं अर्पण करदे ने ते तुसी रीझ जांदे हो। अंग संग सोलीह लगाए, आप सिखां दे लियांदे होए शस्त्र अंगीकार कर लैंदे, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਓ।
खुशी करे महाराज। इस तरह मैनु बोध होया कि आप प्रसन्न होंदे हो। हां जी खुशी करे सिख पर सुख दाए, आप सारे सुख देण वाले सतगुरु जी सिख ते प्रसन्न होंदे हो। मैं सुन कर तब रचे उपाए, महाराज सच्चे पातशाह मैं फिर सुन के इस तरह उपाओ करदा रहा। अच्छी वस्तु खरीदी जाए, आप जी नूं भेटा करन वास्ते देशां विदेशां विच जिते कोई चंगी चीज मैनू लभी है, बहुत मोल दे लियाए तुरंग, बहुत मोल दे के वड्डा घोड़े लियांदा है, चंचल सुंदर सरबंगा, बहुत सोहने अंग हन, बहुत सोहना शरीर है, ते बड़ा चंचल तेज गति चलन वाला है, पर खड़क बड़ की मत के रे। महाराज आप जी दे बख्शे हुए कारोबार दे दसवंध चो वड्डी सोहनी ढाल ते वड्डा सोहना खंडा आदक, अलगी को दे मोल बड़े ते वड्डा मोल आप जी दे दसवान चो खर्च के कलगी तैयार करवाई है। दुर्लभ बाज सी तेरो एहुआना, महाराज दुर्लभ बहुत मुश्किल नाल लभण वाला बाज भी आप जी दी कृपा नाल मिलिया है, आप जी दी भेटा लियाया हां। उस हित तन खर्च महाना, आप जी दे सोहने बस्तर भी वड्डा तन खर्च करके दसवंध चो तैयार करवाए हन, बस्तुन पर के तक बित लागा, बहुत तन महाराज जी बाप जी दे बस्तरां ते लग्या है, बचियो जितक सोरा वरियागा। ये कोई अपनी वड्याई नहीं कर रहा, महाराज जी ने पुछया है की लियाए हो, ते दस दे पए ने महाराज ऐ थोड़ी कृपा नाल आया। इस तरह अद महाराज सचे पातशाह मैं वड्डियां वस्तुआं लैके आया हाँ, ते होर जो धन बच गया ओ आप जी दे चरणां च भेटा कर दिता है। इक पार ते लै दीनार, महाराज सचे पातशाह जेड़ा आम सिक्के होंदे उन्हां दा भार बहुत होंदा, इस करके मैं सोने दियां मोहरां दिनार बनवा ले। अर्पण कीन गुरु दरबार, आप जी दे दरवाजे ते लिया के भेटा कर दिते हन। अपनी वस्तु संभारन की जय, महाराज सच्चे पातशाह ए सारियां वस्तुआं थोड़ियां ने, आप अंगीकार कर लवो। लियायो बड़ जतन सोली जय, महाराज सच्चे पातशाह ए वस्तुआं आप तक पहुंचियां भी आप जी दी मेहर नाल, भावे मैं बड़ा यतन कीता है पर मेरे यतन करके नहीं पहुंचिया, आप जी आप लायो तां पहुंचिया। सत संगत आपां भी जितने पहुंचे हैं महाराज दे घर अपने बल नाल थोड़ी आए, भावें तुसी टिकटां कराइयां बाई रोड आए बाई एयर आए ट्रेनां ते आए, पर असलीयत एक होर हैगी है, वो असलीयत ये है थोड़े नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा इन्ना मोह है इन्ना प्यार है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज थानू आप लैके आए हैं। ये गुरु पातशाह तुहाडी मेहर नाल तुहाडियां वस्तुआं ते दास पहुंचया है, ये कह के चरणा नू गल वकड़ी कर ली ते अखां चो मोटे मोटे आंसू वगन लग पे। दासन की राखत हो लाज, महाराज नू कहन लगा सचे पातशाह तुसी अपने दास दी लाज रख ली, सेवक दी लाज रख ली है। हां जी बिरद विशाल गरीब निवाज, महाराज सचे पातशाह मैं ता बहुत गरीब हाँ, बड़ा अदना जिहा निमाणा जिहा थोड़ा सिख हाँ, ते तुसी सचे पातशाह गरीब नवाज हो। दोहरा सुन सौदागर बाक को सरधा लख अधिकार, महाराज सचे पातशाह ने इस व्यापारी दे सरदा परे बोल सुने, सिजल नेत्र देखे, बहुत श्रद्धा वाला महसूस किया। सतगुर पए प्रसन्न तब कहत पए इस पाए, महाराज बड़े प्रसन्न होए गुरु हरगोबिंद साहब ते बचन आखे, जाओ पई अपनो जन्म कृतार्थ की ना। महाराज कहन लगे भाई पुरखा तेरा जन्म सफल हो गया, महाराज दे घर आया है
तेरा जन्म सफल हो गया, तू अपना जन्म सफल कर लिया है। कुल को संकट कर छीना, तेरी कुल विच कदी संकट नहीं आवेगा। इती दूर ते वस्तु लिया, एनी दूर तो चल के तू पहुंचया ते भेटावा लियाया। बहुत धन खर्चियो प्रेम बधावा, वड्डे प्रेम नाल वड्डा धन खर्च के तू साजो समान लियांदा। गोरे हित नित दर्शो दसौंद को राखा, गुरु घर वास्ते तू अपना दसवंद कढ़दा रहा है। दर्शन गुर सरधा उर कांखा, हिरदे विच मंग होर कोई नहीं, सिर्फ गुरु दे दर्शना दी ही ख्वाहिश रही है तेरे। परसन बर जाचन की जय, अभी तेरे ते बहुत परसाना, जो मंगना मंग ले। अपनी आसा पुर लई जय, अपनी सारिया आसा पूरिया करवा ले। हाथ जोर तब कयो सुदागर, बहुत प्रेम नाल हाथ जोड़े साहूकार ने, बेनतियां कीतियां। प्रेम परख वे नागर आगर, हे सचे पातशाह, हे श्रेष्ठ चतुर सचे पातशाह, आप प्रेम परखण वाले हो। दर्शन करे त्रिपत चित होवा, महाराज होर मैनू कुछ नहीं चाहिदा, मेरा मन आनंदित हो गया, थोड़ा दर्शन मिल गया, बस थोड़ा दर्शन मिलता रहे। दृष्टि मुंह को जोवा, तुसी मेर कीती है, मेर दी नजर नाल मैनू तक्या है। सब विद ते मुझ करियो निहाल, हर तरह नाल मैनू तुसी निहाल निहाल कर दिता है। वरदी जय निम प्रेम विसालू, महाराज वरदान ये देवो कि आप जी दा वड्डा प्रेम मेरे हिरदे विच बनिया रहे, एक पल थोड़ी याद मेरे हिरदे चो ना जावे। पर खड़ग यार कट सो पाथा, और इस तरह दे नाल बड़े प्रेम नाल सिपर खड़ग अर कट सो पाखा, इस तरह क्या जड़ी ढाल है खड़ग है। हां जी, पए सनद गहे तनु हाथा, अरे सच्चे पातशाह आप सारे धारण करो ते आ तन नु हाथ लावो। ए स्वरूप और बसो तुहारा, आ जेड़ा थोड़ा इस वेले दा स्वरूप हैगा, ढाल धारण कीती होई, खड़ग धारण कीता होया, ए तन दे अंबार लगे हुए, ए स्वरूप सदा मेरे मन मंदिर विच टिकया रहे, ए मूरत अंदर वसी रहे। जथा चलेन मेर उदारा, महाराज सचे पातशाह जथा चलेन मेर उदारा, जिवें वड्डा पर्वत सदा टिकिया रहिंदा है, इस तरह आप जी दा ध्यान, आप जी दी मूरत मेरे हिरदे विच टिकी रहे। निस दिन जेहवा नाम मुकंद, महाराज कहन लगे होर दस की चाहिदा है, आखण लगा महाराज एक होर कृपा कर दिओ, मेर दे घर विच आ गए हो तां इह दे दिओ, मेरी रसना ते थोड़ा नाम दिन रात चलदा रहे। टट रहूं श्री हर गोविंद, चलदिया फिरदिया मैं धन गुरु हर गोविंद साहेब, धन गुरु हर गोविंद साहेब कहिंदा रहां। एक बारी आप भी सारे इकट्ठे शामिल हो जाओ उस पल विच, ते आखो धन गुरु हर गोविंद साहेब जी महाराज, एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हर गोविंद साहेब जी महाराज। ए महाराज इस तरह हो जावे, एहो वर मोको दीजै स्वामी, ए मेरे मालक ए वरदान मेरी झोली च पावो। कृपा करो गोरे अंतर जामी, सब दे अंदरा दी जानन वाले गुरु साहेब कृपा करो। जब लो होए नया पसो मेल, महाराज सच्चे पातशाह भाव आप दे स्वरूप विच लीन ना हो जावा, तुहाडे नाल मेरा एक मिकता दा मिलना ना बन जावे। कर मन बस जूनन मैं खेल, सच्चे पातशाह कर्मां दे वस हो के जूना विच खेडदा ना रहा। जय 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 जह जह जन्म तरो मैं जाई, महाराज मैनू किसे कारण करके जन्म भी होर लेना पवे, ते जिते जिते मेरा जन्म होवे सिख तब लो गुण गाई, महाराज मेरे ते इन्नी कृपा करनी, मेरा जे जन्म होवे ते मेरा सिखां दे घर विच होवे।
ते मैं थोड़े गुण गाउंदा रहा। हे प्रसन्न बखानियो बैन, महाराज बहुत प्रसन्न होए ते मुस्कुरा के आखण लगे, तेरो जन्म अपर अब है। आखण लगे भाई व्यापारी सिखा केड़े जन्मां दी गल करदा है। जदों दरिया सागर विच आ जांदा है फिर उहदा चलना नहीं रह जांदा, फिर उहदा सफर मुक जांदा, उहनूं मंजिल मिल जांदी है। तू हुण साडे कोल आ गया, मुक्त हो जावेगा, तेरा दुबारे जन्म नहीं होवेगा। मैं बसो मांग बरलीनो, तू ते सानू अपने हिरदे च वसण दा वरदान ले लिया है। कर्म के बंध बिहीनो, ते तेरे सारे पहले किते कर्मां दे बंधन टुट गए हन। पूरन होए कामना तेरी, तेरी ये भावना पूरी होवेगी। मिटी सकल भव जल की फेरी, ते तेरा जम ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। महाराज कहन लगे तू जूना विच नहीं आवेगा। तक समय थिर दर्शन हे रे, ऐसा होर कुछ समा महाराज दे दर्शन करदा रहा। आए सले गमनियो डेरे, फिर महाराज जी कोलो आग्या लेके ते जिथे ने पड़ाओ किता सी, तंबू लाया सी, उते आ पहुंचया है। पी वस्तु सकल और पूरी वस्त सकल गुर दे, महाराज जी ने मेहर दी नजर करके दिया सारिया वस्तुआ देखिया। हम तुरंगम चपल बिसेखी, सब तो पहला घोड़ा देखिया जेड़ा ये लै के आया है, महाराज दी सेवा में जुड़िया होया। इस वेले वक्त दा तकाजा है, बाकी विचार कल आप प्रेम सहित सरवण करोगे। परसों तो 31 तरीक तो दास दी हाजरी बंदी छोड़ दिवस तो अगले दिन तक पावे, 31 अक्तूबर तो लैके ते 5 नवंबर तक दास दी हाजरी दीवान अस्थान मंजी साहब, सिख जगत दा मक्का मुनावरा, अनंत ब्रह्मंडा दा सब तो पावन अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे है। महाराज सच्चे पातशाह मेरा नाल निवाजण, बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल आपने सरवण कीता। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਵਾਹਿ